हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2D एरे के बारे में। तो इससे पहले हमने 1D एरे के बारे में पढ़ रखा है, और उसमें हमने देखा था कि 1D एरे को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका यूज़ किस तरीके से करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ 2D एरे के बारे में, और इसके बाद हम देखेंगे कि इसका आउटपुट और इनपुट किस तरीके से लिया जाता है, और इस पर कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहली बात आती है कि 2D एरे होता क्या है। तो 2D एरे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने 1D एरे में पढ़ा था कि हमें कोई भी डेटा को स्टोर करवाना है तो हम एक एरे यूज़ करते हैं, और हम बोल सकते हैं, हमने 1D एरे में पढ़ा भी है, तो हम क्या करते थे, एक इस तरीके का बोल सकते हैं डेटा लेते थे, या फिर इस तरीके का एक कंटेनर लेते थे जिसमें हम अपने डेटा को स्टोर करते थे। इसमें हम अपने डेटा को स्टोर करते रहते थे, तो और ये कुछ इस तरीके से होता था कि ये सिर्फ एक रो वाइज ही जो भी हमारे डेटा होते थे उनको स्टोर करता था। बट अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं, एक स्टूडेंट S1 नाम देते हैं, स्टूडेंट S1 के मार्क्स हैं और वो 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। फॉर एग्जांपल इसके पास हिंदी है, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। मान लेते हैं उनके पास जो सब्जेक्ट है वो हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, SST है और साइंस है। अब बात करते हैं स्टूडेंट वन के जो मार्क्स हैं। मान लो वो हिंदी में आए हैं 30, इंग्लिश में 40, मैथ्स में 50, 40 एंड 30 आउट ऑफ 50 मान के चलते। वैसे ही अगर सेम बात करें स्टूडेंट टू की, तो कुछ उसके भी नंबर होंगे, उसके भी मार्क्स होंगे। कुछ हो सकता है उसके हिंदी में 50 हो सकता है इंग्लिश में उसके 40 हो, मैथ्स में हो सकता है उसके 40 हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर भी मान लो 30 हो और यहाँ पर उसके 10 हो, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। और बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं और उनके बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, या फिर बहुत सारे अलग अलग डेटा हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि भाई अगर मुझे इन सबको स्टोर करवाना है तो मैं कैसे करूँगा स्टोर। तो पहली बात तो ये कि मैं अगर इसमें स्टोर करवाना चाहूँ, इस 1D एरे में, तो मुझे एक बहुत ही बड़े साइज का 1D एरे कंसिडर करना होगा, जो कि और उसमें मैं ये नहीं रिप्रेजेंट कर पाऊंगा कि कौन सा मार्क्स किस सब्जेक्ट का है, और मुझे हर पोजीशन पर जाके मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये मार्क्स किस सब्जेक्ट का है। तो वही बात, हम आते हैं अब 2D एरे के बारे में। 2D एरे का कंसेप्ट आपको पता होगा, आपने मैट्रिक्स पढ़ा हुआ है 11th एंड 12th में, आपने 11th और 12th में मैट्रिक्स पढ़ा हुआ है, तो आपने देखा था कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स हमने पढ़ा था कि मैट्रिक्स क्या होता है, कि मैट्रिक्स एक रिप्रेजेंटेशन है हमारे डेटा का। मैट्रिक्स क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। और ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या करता है? तो जो भी ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, ये हमारे कैलकुलेशन को, या फिर हमारे जो भी हम उस पे जो भी काम करने वाले हैं, वो हमारे काम को इजी बनाता है। तो ये क्या करता है, हमारे डेटा को एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है ताकि हम उस पे जो भी काम कर रहे हैं, या तो कैलकुलेट कर रहे हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं उस पे, वो हमारा काम आसानी से हो जाए। तो ये मैट्रिक्स इस तरीके का होता है। और मैट्रिक्स होता किस तरीके का है ये भी हमें पता है, कि मैट्रिक्स कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें रोज होते हैं, जिसमें कुछ नंबर ऑफ रोज होते हैं, कुछ नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, और इसका ऑर्डर भी हमें पता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है हमें पता होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो होता है रो क्रॉस कॉलम, ये हमें पता है। तो अब मुझे इसमें, मान लो हमारे पास जो स्टूडेंट 1, 2, 3 है, मान लो ये स्टूडेंट 1, 2, 3 है अपने पास, हमने दो ही लिया है, मान के चलते हैं एक स्टूडेंट 3 हो जाता है और एक स्टूडेंट 3 हो जाता है, और उसके मार्क्स आते हैं कुछ, मान के चलो हिंदी में 10 है, 20, 30, 40 और 50, कुछ इस तरीके का मार्क्स है। मैं एक दूसरा पेन लेता हूँ और इसको इस तरीके से अंडरलाइन कर देते हैं, ब्रैकेट में कर देते हैं इसको, तो समझ में आ जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ कि इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है। तो मैट्रिक्स में क्या होता है कि हम एक जो रो होता है, या तो वो स्टूडेंट को मान लो, या एक कॉलम को स्टूडेंट को, स्टूडेंट 1 मान लो। तो ये जो स्टूडेंट है अपने पास, उनके पास सब्जेक्ट कितने हैं? 5। तो उनके पास मान के चलते हैं 5 कॉलम बना लिया हमने, और ये हिंदी का कॉलम है, ये इंग्लिश का कॉलम है, ये मैथ्स का कॉलम है, ये SST का कॉलम है और ये साइंस का कॉलम है, और ये स्टूडेंट S1 है, ये स्टूडेंट S2 है और ये स्टूडेंट S3 है। हमें यही चाहिए, तो हम ये यहीं तक का कंसीडर करते हैं, हम ऊपर नहीं जाएंगे और ना ही नीचे जाएंगे, बस इतने तक का। तो मैं इसको एक ब्लैक लाइन से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि भाई हम इतना ही ले रहे हैं, आपको इतना ही कंसीडर करना है, बाकी नीचे वाले को आप भूल जाना है, नीचे वाले को आप भूल जाओ। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके का मैट्रिक्स है।
अब क्या करना है हमें, इसमें हमें रिप्रेजेंट करना है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। एक सेकेंड, हम एक, ठीक है, कुछ इस तरीके का अपने पास एक मैट्रिक्स हो गया जिसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 5, तो कुछ इस तरीके का एक मैट्रिक्स बनेगा। अब क्या होता है कि अब हम इसमें जो भी हिंदी के मार्क्स हैं स्टूडेंट 1 के, तो हम इसमें डाल सकते हैं, उसके कितने थे वो भी चेक कर लेते हैं, हम उस तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो ये 30 थे, फिर 40 थे इंग्लिश में, फिर मैथ्स में 50 है, 40 है और 30 है, इस तरीके से मार्क्स हम लिख रहे हैं। S2 के 50 हैं हिंदी में, 40 है इंग्लिश में, 40 है मैथ्स में, 30 है SST में और 10 है साइंस में। इसी तरीके से 10, 20, 30, 40 एंड 50, तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करें। और इसमें आसानी से हमें समझ भी आ रहा है, अगर मैं 1D array लेता, इसमें लेता है 1D array में, तो मैं क्या लिखता, पहले स्टूडेंट के मान लो ये मार्क्स हैं इतने वाले में कॉलम है, इतने जो कॉलम है अपने पास, इसमें क्या करता, पहले स्टूडेंट के मार्क्स होते, फिर इसमें फिर दूसरे वाले के, फिर ले आता दूसरे वाले स्टूडेंट के मार्क्स डालता, फिर इसमें, फिर वैसे ही मैं यहाँ पर और बढ़ता आगे और इसमें थर्ड स्टूडेंट के, और वैसे ही मुझे बहुत लंबा उसको बनाना पड़ता दिखाने के लिए भी, और उसको आसानी से मैं ढूंढ भी नहीं पाता कोई चीज़। बट इसमें क्या होगा कि मैं अगर किसी की भी बात करूँ, कि अगर स्टूडेंट S1 की बात करें, तो स्टूडेंट S1 का पता है कि यही मार्क्स हैं उसके सारे सब्जेक्ट में, ये सब्जेक्ट हिंदी है, ये सब्जेक्ट इंग्लिश, ये मैथ्स साइंस और SST और साइंस, तो इस तरीके से हम इसमें ढूंढ पाते हैं। तो ये है हमारा 2D array का कॉन्सेप्ट आया यहाँ पर, कि भाई जो भी हमारे डेटा है अगर उनको सिंप्लीफाई करना है, अगर उनको आसानी से सॉल्व करना है, तो हम 2D array की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो भी होते हैं जिनको टेबल फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना होता है, तो हम यूज करते हैं 2D array। तो जो भी टेबुलर फॉर्म के डेटा होते हैं, तो 2D array क्या होता है कि 2D array टेबुलर फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट्स डेटा इनटू टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में हम 2D array को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। 2D array जो होता है वो क्या करता है, टेबुलर फॉर्म में हमारे डेटा को रिप्रेजेंट कर देता है। तो जो हमारी कैलकुलेशन होती है या फिर जो भी हमारा देखने का तरीका होता है, वो चेंज हो जाता है। अब बात करते हैं कि अब हम 2D array को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2D array, रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2D array, किस तरीके से हम 2D array को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1D array के बारे में बात किया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1D array, वो भी हमने देखा था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1D array किस तरीके से करते हैं, और 2D array में भी देखेंगे। तो पहले तो हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1D array लिखते हैं। तो 1D array में क्या होता था, हम क्या करते थे, डेटा टाइप, कि उस एरे का डेटा टाइप क्या है, वो क्या वो इंटीजर टाइप एरे है, क्या वो फ्लोट टाइप है, क्या वो वॉइड टाइप, क्या वो कैरेक्टर टाइप एरे है। तो हम उस तरीके से उसका पहले डेटा टाइप लिखते हैं, फिर एक स्पेस देते हैं, फिर एरे का नाम, तो नेम ऑफ द एरे, नेम ऑफ एरे, और उसके साथ ही उस एरे का साइज, यहाँ पर साइज आता था। तो इस तरीके से कुछ लिखते थे। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कि अगर हमें इंटीजर टाइप एक एरे डिक्लेयर करना है, तो मैं लिखता था इंट, एरे का नाम AR कुछ दे दिया, स्पेस दिया पहले, यहाँ पर स्पेस, फिर एरे का साइज, साइज क्या कुछ भी हो सकता है, ये मान लेते हैं 100, तो ये 100 एक ब्लॉक का, एक मेरे पास ऐसा मान सकते हो कि ये एक 100 जिसमें ब्लॉक्स हैं वो एक कंटेनर मिल गया मुझे इस तरीके से। तो ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1D array। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2D array। तो 2D array में भी सेम यही कंसेप्ट लगेगा, कि हम क्या करेंगे, पहले डेटा टाइप लिखते हैं, फिर उसके बाद एक स्पेस देते हैं, और उसके बाद फिर नेम ऑफ दी एरे, सेम वही चीज, नेम ऑफ द एरे, और उसके बाद आता है उसका साइज। साइज अब दो साइज हो सकते हैं, उसके नंबर ऑफ रोज भी हो सकते हैं, तो पहले हम लिखते हैं नंबर ऑफ रोज उसके पास कितने हैं, और उसके बाद सेम वैसी ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके हम लिखते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने 2D array को। तो मैं एक लिख के दिखा देता हूँ, कि हमने मान लिया कि हमने एक एरे लिया 2D array जो कि इंटीजर टाइप है, तो इंटीजर टाइप स्पेस एरे का नाम AR, और उसके बाद नंबर ऑफ रोज 5 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स
फिर ऊपर वाले की अगर बात करें तो उसमें नंबर ऑफ रोज कितने थे, उसमें नंबर ऑफ रोज थे 3, तो नंबर ऑफ रोज मान लेते हैं 3 और उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं नंबर ऑफ रोज 3, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने थे 5, तो उस एरे को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर पाते हैं, और ये है 1D एरे का रिप्रेजेंटेशन। तो दोनों देख सकते हो आप, मैच करके देख सकते हो कि दोनों कुछ ना कुछ सेम ही है, बहुत कुछ सेम है, बस हमने क्या किया है कि जो 2D एरे है उसमें एक रो और कॉलम का कंसेप्ट आ गया है, तो जो कि 1D एरे में सिर्फ एक रो का कंसेप्ट था। तो ये है थोड़ा सा डिफरेंस। अब बात करते हैं इनपुट की, इनपुट किस तरीके से लेते हैं 1D एरे में और 2D एरे में, हम दोनों में डिफरेंस भी देखते हुए चलेंगे ताकि समझने में आसानी हो। तो थोड़ा सा नीचे चलते हैं, अब बात करते हैं इनपुट किस तरीके से लेते हैं, तो इसका नाम रख देते हैं हाउ टू टेक इनपुट ऑफ एलिमेंट ऑफ 2D एरे, हाउ टू टेक इनपुट ऑफ एलिमेंट्स इन 2D एरे, किस तरीके से हम 2D एरे में इनपुट लेते हैं एलिमेंट्स का। तो अगर बात करें 1D एरे में, तो 1D एरे में हम क्या करते थे, 1D एरे में हम एक लूप चलाते थे 4, और उसमें हम एक इंटीजर कुछ भी आई जे कुछ भी अपने हिसाब से मान लेते थे, जो 0 से स्टार्ट होकर 0 इंडेक्सिंग, क्योंकि इंडेक्सिंग होती है एक, अगर मैं बात करूं ये अपने पास कुछ एक ब्लॉक मान लेते हैं इस तरीके का, उसमें क्या होता था कि एक ब्लॉक होता था और जो इसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, n-1 तक। n क्या है यहाँ पर, n इज द साइज ऑफ द एरे, n क्या है साइज ऑफ द एरे, साइज ऑफ एरे, जो n है वो साइज ऑफ द एरे है, तो जो ये 0 से स्टार्ट हो गया क्योंकि इसमें n ब्लॉक्स हैं, अगर ये 0 इसका नाम दे दिया है तो ये कितना होगा n-1। तो इसी तरीके से i जो होगा कहाँ तक चलेगा, लेस देन n, इक्वल टू नहीं हो सकता क्योंकि हमें n-1 तक जाना है और ये इंटीजर है तो n-1 तक ही ये रुक जाएगा, फिर i++, और इसके बाद हम सी इन से इनपुट लेते थे, जो एरे का नाम होता था, मान के चलते हैं हमने इंटीजर डिफाइन किया, जो एरे डिफाइन किया है इंटीजर टाइप है और उसका नाम एरे डिफाइन किया है और उसका साइज मान लेते हैं एन है, तो अगर इसका इनपुट लेना है तो ए आर आर क्या लिखेंगे, ए आर आर और उसके बाद आई लिखेंगे, और ये सब ये इस तरीके से हम इसका इनपुट लिखते थे। तो अब बात करते हैं 2D एरे में किस तरीके से हम लिखेंगे, तो 2D एरे के लिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, पहले एक बार इसको समझ लेते हैं फिर किस तरीके से। एक बार नीचे ही आ जाते हैं, ये और रफ नहीं हो रहा, अब बात करते हैं कि 2D एरे में किस तरीके से, तो 2D एरे में किस तरीके से लेते हैं, तो क्या होता है कि इसमें हमारे पास एक नंबर ऑफ रोज होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, तो जो हमारा तरीका होता है कि हम क्या करते हैं, जो इसमें इनपुट लेना होता है ना, तो एक मैट्रिक्स मान के चलते हैं और उसमें समझते हुए चलेंगे कि किस तरीके से इनपुट लेना होता है। तो एक मैट्रिक्स माना मैंने जिसका ऑर्डर जो है 3x5 है, इसका मतलब है कि इसमें 3 रोज होंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे 5, तो कुछ ये मैंने इस तरीके से मान लिया। अब क्या होता है कि हम अगर मुझे इसकी पोजिशन, इसका पोजिशन अगर मुझे बताना है किसी को, तो मैं क्या बताऊंगा कि ये कौन से रो में है और कौन से कॉलम में है, इसी तरीके से बताते हैं। तो अगर मैं इसका बताऊंगा तो एक मैं मान लेता हूँ एक एलिमेंट है ए और इसकी पोजिशन क्या होगी, ये कौन से रो में है 1 2, ये 0th रो है ये 1st रो है, तो 0th रो और 1st रो, तो 1st रो में है ये, और ये कौन से कॉलम है, ये 0th 0th कॉलम है, ये 1st कॉलम है और ये 2nd कॉलम है, तो मैं क्या बताऊंगा 1st और 2nd, इसका मतलब कि ये पोजिशन जो है 1,2 है, 1 2 है। तो अब मैं हम भरते किस तरीके, इस तरीके से तो हम पोजीशन बताते हैं कि भाई ये एलिमेंट की पोजीशन क्या है। अब बात आती है कि हम फिल किस तरीके से करते हैं, इनपुट किस तरीके से लेते हैं, तो देखो हम जो भी इनपुट लेते हैं पहले हम 0 रो में 0th रो में पहले फिल करते हैं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इस तरीके से हम फिल करते हैं, पहले ये वाला पोजिशन फिल होगा, पहले ये वाला पोजिशन फिल होगा, फिर दूसरे नंबर पर ये वाला पोजिशन, थर्ड नंबर पर ये वाला, फोर्थ ये एंड फिफ्थ ये, उसके बाद हम जब ये 1st रो फिल हो जाएगी उसके बाद हम 2nd रो में पहुंचेंगे, फिर उसके बाद जब ये 2nd रो पूरा फिल हो जाएगा तो हम क्या करेंगे 3rd रो में पहुंचेंगे, इस तरीके से हम पहुंचते रहेंगे आगे। तो अब बात करते हैं कि इसको लिखते किस तरीके से हैं, किस तरीके से इनपुट लेंगे, तो इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, तो देखो किस तरीके से इनपुट लेते हैं, तो हमें इसके लिए 2 लूप की जरूरत होगी, एक 4
जो कि एक रो में आइटरेट करेगा इंट आई इज इक्वल टू जीरो, और आई जो होगा वो लेस देन रो होगा। पहला वाला हम रो में आइटरेट कर रहे होंगे, और आई प्लस प्लस, और उसके अंदर हम एक और लूप यूज करेंगे जो कि कॉलम में आइटरेट करेगा, और इंट जे इज इक्वल टू जीरो, जे इज लेस देन कॉलम एंड जे प्लस प्लस। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे और फिर उसका इनपुट लेंगे, और इनपुट लिखने के लिए जिस तरीके से हम ये एरे लिखते थे इस तरीके से, तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास दो साइजेस हैं, एक आई है जो कि नंबर ऑफ रोज वाला है, और एक कॉलम वाला है जो कि जे है। तो इस तरीके से हम इनपुट लेते हैं। तो ये है हमारा इनपुट लेने का तरीका 2D एरे में, देख सकते हैं आप ये। और ये रहा अपना 1D एरे का, यहाँ पर ये 1D एरे का है, और ये जो है ये 2D एरे का है, ये जो है ये 2D एरे का है। तो इस तरीके से इनपुट लेते हैं, और हम क्या कर रहे हैं कि अगर यहां से हम देख लेते हैं एक बार ट्राई रन करके, कि यहां पर देखो पहले क्या हुई, आई की वैल्यू जीरो होगी, आई की वैल्यू जीरो होगी तो हम इस लूप में जाएंगे, इसके लूप के अंदर जाएंगे, और फिर क्या करेंगे इस जे की वैल्यू पहले जीरो रखेंगे और प्रिंट करेंगे। तो जो मेरा मैट्रिक्स है उसमें एक मान लेते हैं इस तरीके से, ये मान लेते हैं इस तरीके से अपना, तो क्या होगा यहाँ पर पहले हम जीरोथ रो में जाएंगे, मतलब इस रो में जा रहे हैं, और फिर जे इज इक्वल टू जीरो, तो मतलब ये वाला पोजिशन हमने प्रिंट कर दिया। फिर क्या होगा इसी रो में रहेंगे क्योंकि अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये क्या होगा जे वन होगा, तो हम 0,1, तो हम इस वाले पोजीशन पे जाएंगे। फिर ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम इस वाले पोजीशन पे जाएंगे, और ये जब तक कंप्लीट होगा तो हम यहाँ तक पहुंचेंगे। फिर क्या होगा कि आई की वैल्यू अब जीरो से बढ़ के प्लस वन हो जाएगी, तो प्लस वन हो जाएगी इसका मतलब कि हम फर्स्ट रो में चले जाएंगे, और फिर इसी तरीके से हम ये फिल करेंगे, फिर इसी तरीके से हम ये फिल करेंगे। तो ये था हमारा इनपुट लेने का तरीका। अब बात करते हैं आउटपुट लेने का, आउटपुट कैसे किस तरीके से लिखते हैं। तो आउटपुट लिखने का तरीका सिंपल है, तो आउटपुट किस तरीके से लिखेंगे, तो आउटपुट हमें पता है कि हमने 1D एरे में किस तरीके से सीखा है। 1D एरे की बात करें अगर, तो 1D एरे में इसमें क्या होता था कि हम क्या करते थे, एक फोर लूप चलाते थे जो कि जीरो से स्टार्ट होकर साइज तक जाता था, और साइज और आई प्लस प्लस करते थे, और ये क्या होता था सी आउट कर देते थे एरे ऑफ, सॉरी इस तरीके से एरे ऑफ आई, इस तरीके से हम आउटपुट कर देते थे, तो ये आउटपुट आ जाता था। तो अब सेम इसी तरीके से लगेगा, बट इसमें हमारे पास एक ही फोर लूप यूज होता था, लेकिन 2D के एरे, 2D एरे कंसेप्ट में ये दो लूप यूज होंगे। तो यहां पर मैं 2D एरे लिख देता हूँ, 2D एरे कंसेप्ट में हम दो फोर लूप यूज करेंगे, एक फोर लूप जो रो में आइटरेट करेगा, जो कि रो में आइटरेट करेगा साइज ऑफ द रो एंड आई प्लस प्लस, और उसके बाद एक और फोर लूप लेंगे जो कि कॉलम में आइटरेट करेगा। तो ये कॉलम में आइटरेट करेगा, तो जीरो से स्टार्ट होकर जे कहाँ तक जाएगा, कॉलम तक, और जे प्लस प्लस कर देंगे, और क्या करेंगे फिर सी आउट कर देंगे, क्या करेंगे ए ऑफ आई कॉमा आई और जे, इस तरीके से हम आउटपुट कर देंगे। इसका आउटपुट भी कुछ इस तरीके से लिख देंगे, देख लो हमने क्या लिखा है। एक मिनट मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ। तो इसको कुछ इस तरीके से लिख पाएंगे। तो ये है हमारा आउटपुट का तरीका इन 2D एरे, और ये है हमारा तरीका जो कि हमने सीख रखा है 1D एरे में। तो ये दोनों तरीके हैं। अगर मैं एक प्रोग्राम लिखने की बात करूं तो सबसे पहले हम चलते हैं एक कंपाइलर पे, और फिर लिख के चेक करते हैं कि क्या हम सही कर रहे हैं कि नहीं। तो सबसे पहले कि क्या होगा कि एक हम साइज मान लेते हैं, रो की साइज मान लेते हैं, रो साइज एन एम, और एक कॉलम का साइज एन मान लेते हैं, तो ओ सॉरी एन, तो मैं यहां पर लिख देता हूं एम इज द साइज ऑफ द रो, एक सेकेंड, एंड एन इज द साइज ऑफ द कॉल, ये है मैंने लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे कि पहले हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं कि भाई जो रो और कॉलम का साइज है वो बता दो, तो उन्होंने बता दिया।
अब हम इसके बाद एक इंटीजर मानेंगे, जो भी हमारा इंटीजर होगा डिक्लेयर करेंगे उसे, तो सॉरी एरे जो होगा उसे डिक्लेयर करेंगे, तो वो इंट टाइप मैंने एरे डिक्लेयर कर दिया है और उसका नाम दे दिया है कुछ, और उसका साइज होगा क्या होगा, एम और एन, इस तरीके से हम लिखेंगे। ये तो हो गया। अब हमें उसके बाद क्या लेना है कि इसमें सारे इनपुट्स लेने हैं एरे के, तो एरे के इनपुट्स लेने के लिए टू डी एरे हमने बनाया, तो टू डी एरे के लिए हमें टू दो लूप चाहिए, तो एक आई इज इक्वल टू 0 एंड आई इज लेस देन जो हमने साइज लिया है रो का एम, और आई प्लस प्लस, इस तरीके से हम लिखेंगे, और फिर एक फोर लूप और एक जी जो कि कहाँ इटरेट करेगा, कॉलम है, कॉलम को हमने क्या माना है एन, और जे प्लस प्लस इस तरीके से, और इनपुट ले लेंगे ए ऑफ एरे ऑफ आई और जे, इस तरीके से हमने इनपुट ले लिया। ठीक है, ये है हमारा इनपुट लेने का तरीका। अब हम आउटपुट भी दिखा देते हैं कि आउटपुट भी कुछ इसी तरीके से लेंगे, सेम यही चीज रहेगा, तो मैं इसको कॉपी करके और पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, तो कंट्रोल प्लस सी, और इसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, बस क्या चेंज हो जाएगा, ये आउटपुट का तरीका जो सी इन लिखा है वो आउटपुट हो जाएगा बस इस तरीके से। तो अब हम यहाँ पर इनपुट डाल के चेक कर लेते हैं, इनपुट डाला, मान लो मेरे साइज रो का साइज है 4 एंड कॉलम का साइज है 5। अब मैं जो भी इसको छोटा कर देते थोड़ा सा, तो मान लेते हैं 4 4 का है मेरा जो ऑर्डर है, 4 4 + 4 है। अब एलिमेंट्स जो होंगे 1 2 3 6 एंड फिर उसके बाद 9 8 6 7 फिर 5 8 9 6 और 7 फिर उसके बाद 2 3 9 और 7, इस तरीके से है। अब देखेंगे कि इनपुट ये रहा आउटपुट, तो आउटपुट भी सेम इसी तरीके का आना चाहिए, तो एक बार रन करते हैं इसको, तो रन करते हैं, आउटपुट भी कुछ इस तरीके का ही आना चाहिए, तो चेक करते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पर सी आउट नहीं किया, तो यहाँ पर सी आउट कर देते हैं, एंड लाइन, एक एंड लाइन दे देते हैं, और यहाँ पर हम स्पेस दे देते हैं इसके बीच में, तो ये स्पेस दे दिया मैंने। अब देखते हैं सेम कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा, देख लो सेम इसी तरीके से मैच कर रहा है, तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से हम इनपुट आउटपुट और इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।